हेलो राधे राधे, आज मैं आपको प्रिंट वाले कपड़े से पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी और नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आसान तरीके से। तो चलिए कटिंग करना शुरू कर लेते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए कटिंग करते हैं। मैंने डबल फोल्ड कर लिया कपड़े को और 2 इंच का मार्जिन रख के 12 इंच पे निशान लगा दिया। आप भी अपने हिप्स के अकॉर्डिंग 2 इंच मार्जिन रख के निशान लगा लें। मैंने अपने इसके अकॉर्डिंग और इसको मिला दिया दोनों निशानों को ऊपर नीचे से। अब मैं आसन की गोलाई का निशान लगा दूंगी। और ये 2 इंच का मार्जिन लेके भी मैंने आपको दिखा दिया है। आप अपने हिप्स के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। जैसे हिप्स का साइज 40 है तो उसका 1 पार्ट 10 हो गया और 10 में 2 इंच मार्जिन रखकर 12 पे निशान लगा और 12 का बीच का सेंटर 6 पे मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग निशान लगा रही हूँ। आप भी अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग निशान लगा लें। 30 इंच में निशान लगा दिया मैंने, निशान लगाया है। और ये सेंटर पे भी एक निशान लगा दूंगी। नीचे की साइड सेंटर पे निशान लगाया ये मैंने। अब जहाँ पे सेंटर का निशान लगा है नीचे की साइड 3 इंच इधर छोड़ दूंगी और 3 इंच इधर छोड़ दूंगी। आप नीचे से जितना चौड़ा निशान लगाना चाहें, चौड़ी बनानी चाहें तो चौड़ी बना सकते हैं। मैंने 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को भी मिला दूंगी मैं। और इधर से भी इस निशान को मिला दूंगी मैं। आप वो लकड़ी वाला स्केल आता है उससे भी मिला सकते हैं और इंची टेप से मिला सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे आप उस हिसाब से निशानों को मिला सकते हैं। ये इंची टेप से निशानों को मिलाना मैंने सिखा दिया है। सिंपल इंची टेप से तो मैंने निशान लगाकर आपको दिखा दिया था। अब मैं लकड़ी वाले इंची टेप से निशान लगा रही हूँ। आप दोनों में से किसी से भी निशान लगा सकते हैं। अब मैं इस आगे वाले निशान को भी लकड़ी वाले इंची टेप से लगा दूंगी। लीजिए, दोनों इंची टेप से मैंने आपको निशान लगाना सिखा दिया है। अब मैं थोड़ा सा निशान को डार्क कर दूंगी। और जो ये किनारी होती है इसको अलग निकाल दूंगी। लीजिए, अब मैंने निशानों को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं कटिंग कर दूंगी।
और ये जो दोनों पैंट के पार्ट हैं अब इनको भी मैं अलग अलग कर दूंगी कट करके। पैंट के आगे वाले दोनों पार्टों की मैंने कटिंग कर ली है और अब मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग करूंगी। जो बचा हुआ पीस है उसके ऊपर मैंने उन दोनों पार्टों को रख लिया है और दो दो इंच मार्जिन रख के फिर मैं निशान लगाऊंगी। ये सबसे पहले मैंने जहाँ पे आसन का निशान लगा हुआ था वहाँ से 2 इंच बढ़ाकर निशान लगा लिया है। नीचे वाले कपड़े के ऊपर और लिफे के ऊपर जहाँ से फोल्ड करते हैं वहाँ से भी मैंने 2 इंच बढ़ा कर निशान लगा लिया है। अब नीचे वाले और ऊपर वाले निशान को दोनों को मिला दूंगी मैं। अब जो मैंने आसन के लिए निशान लगाया था उसको गोलाई दे दूंगी और ऊपर नेफे के पास भी मैं सीधा स्ट्रेट निशान लगा दूंगी। अब मैं जहाँ से नेफे को फोल्ड करते हैं वहाँ से मैं 2 इंच और बढ़ा दूंगी पीछे वाले पार्ट को। और पीछे कमर वाले के साथ मिला दूंगी ये तिरछा निशान लगेगा। और ये तिरछा निशान लगा दिया मैंने पीछे से तो 1/2 इंच से भी कम लगाया और आगे की साइड से 2 इंच और इन दोनों निशानों को मिला दिया मैंने। मैं तो पूरी पैंट में 2-2 इंच का ही मार्जिन पे निशान लगा रही हूँ। आप 1.5 इंच और नीचे तक निशान लगाते लगाते 1 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा निशान कर सकते हैं। तो मैंने 2-2 इंच पे नीचे तक निशान लगा दिया है। अब मैं कटिंग कर दूंगी जहाँ से मार्जिन के ऊपर जो निशान लगाया है उसके ऊपर से ही कटिंग करूंगी। ये पैंट में आगे की साइड ही मार्जिन रखना है पीछे की साइड रखना है। दोनों साइड मार्जिन रखने से तो पैंट की कटिंग ख़राब हो जाएगी इसलिए पैंट में हमेशा आगे की साइड ही मार्जिन रखना चाहिए।
लीजिए, ये आपको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से पैंट की कटिंग करना सिखा दिया और सिलाई करना भी सिखा दूंगी अगली वीडियो में। कटिंग और सिलाई दोनों एक वीडियो में सिखाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो अगली वीडियो में सिलाई करना सिखाऊंगी। लीजिए, हमारी पैंट की कटिंग हो गई है और जो पैरों की साइड से जो पार्ट जुड़े हुए थे उनको भी मैं अलग करके रख दूंगी ताकि मुझे सिलने में आसानी रहे और सब पार्ट पे निशान भी लगा लूंगी। लीजिए, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से मैंने पैंट की कटिंग करना आपको सिखा। अब मैं आपको नायरा कुर्ती किस तरीके से कट करते हैं और कितनी आसानी से कट करते हैं और कितनी आसानी से सिलते हैं वो सब आपको सिखाऊंगी। और कुर्ती का कपड़ा था 2.5 मीटर और मुझे नायरा कट कुर्ती बनानी थी। ये पैंट में से पीस बचा था और इसमें चोली की कटिंग कर ली थी। चोली की कटिंग की वीडियो, अम्ब्रेला कट, कुर्ती की कटिंग की है उसमें मैंने चोली की भी कटिंग करके दिखाया हुआ है तो उसको आप देख सकते हैं। और चोली की लंबाई 15 इंच थी, बिल्कुल आसान तरीके से चोली कट की है। और उसी तरह जैसे सिंपल कुर्ती में निशान लगाते तीरे मुड्ढे और गले का, और चोली की लंबाई मैं आपको बताई चुकी हूँ और चोली मैं सिल चुकी हूँ, गले में पट्टी लगा चुकी हूँ। और नीचे अब मैं चोली के ये घेर वाला कपड़ा जोड़ूंगी जो 1.25 मीटर है और सेंटर में दोनों को निशान लगा लिया था और फिटिंग का निशान भी मैं लगा चुकी हूँ। और यहाँ से मैं जोड़ना स्टार्ट करूँगी और प्लेट डाल लूँगी बीच बीच में ही और दोनों साइड से प्लेन रखूँगी। तो चलिए मैं प्लेट डालना शुरू कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने प्लेट डाली है, दोनों साइड से 4-4 इंच छोड़ दिया था और बीच बीच में प्लेट डाली है। अब मैं पीछे के पार्ट में ये कपड़ा जोड़कर प्लेट डालूंगी इसी में। लीजिए, पीछे के पार्ट में जोड़कर उसमें प्लेट डाल चुकी हूँ और जहाँ फिटिंग के निशान लगाए थे अब मैं उसके ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। और बिल्कुल आसान ही है नायरा कट कुर्ती भी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हम सिंपल कुर्ते कटिंग करते हैं उसी टाइप से, इसमें चोली अलग कट जाती है, निशान वैसे ही लगते हैं। और नीचे से घेर इसमें फुल रख लो, उसमें चोली का साइज 20-25 जितना भी आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो लीजिए, मैं फिटिंग का निशान लगाकर बाजू लगा चुकी थी और बहुत ही सुंदर नायरा कट कुर्ती और पैंट बनकर तैयार हो गई थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक बार आप भी ज़रूर बनाएं, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई डिज़ाइन के साथ। राधे राधे।